हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या बताना, अब नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हो तो उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सोल्यूशन भी दे रखे होते हैं। क्वेश्चन भी होता है, उसका सोल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है, और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर कहां पर, इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको, ठीक है। तो ये सवाल आप कर रहे हैं, इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहाँ पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहाँ आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया है पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54, यू करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट अड्डा और कॉमर्स 365, जहाँ हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल्स यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है, और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूँ इस सीरीज को लेते हुए, तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना सचिन पारिक SP, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन SP, SACHIN SP दोस्तों आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा Accounts BFF, ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे,
लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लान सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट सद्दा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चन एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11th या क्लास 12th सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100+ कोर्स यहां पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती है, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस में जाना, और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन प्लस और आइकोनिक। जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। आइकोनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। वन मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा 4,500 रुपीज पर मंथ। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कम्पीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1,250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट, प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बेट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11 12th के लिए होने वाला है 4th of July को दोपहर 1 बजे, जरूर ज्वाइन करें। कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है। तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं, हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य, हमारा मेन जो पर्पस है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 out of 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारे क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। ठीक है, फिर अब दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है हमारा ये क्वेश्चन, हमें आवाज तो प्रॉपरली आ रही है। ठीक है,
रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा आपको मयूर क्लब लिमिटेड, जो भी लिमिटेड नहीं बोल सकते, लिमिटेड तो कंपनी हो जाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 54 टीएस ग्रेवाल का बोलता है कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है मयूर क्लब का, जो कि एक एनपीओ है, जो आपके जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट आपने बनाया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। दोस्तों यहाँ आपको सबसे पहला काम, इसको अच्छे से पढ़ लो। सबसे ऊपर आपको दे रखा है दोस्तों टू बैलेंस पीडी, इसका मतलब क्या होता है कि आपके सामने दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसको अपन कहाँ शो करते हैं, चैट बॉक्स के अंदर आंसर देते जाइए, नहीं पूछता हूं ना तो भी आप आंसर देते जाइए कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है दोस्तों उसको अपन कहाँ शो करते हैं। ओपनिंग बैलेंस को अपन शो करते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। जी हाँ, हमारे पिछले सब हमारे जो पिछले क्वेश्चन हमारा जो पिछला सेशन हुआ था उसमें आप सभी ने जवाब दिया था कि इसको अपन शो करते हैं हमारी बैलेंस शीट में, और आज आप सभी दोस्त जवाब दे रहे हो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। वेरी गुड दोस्तों, आपने एक नया जो ये चीज है अपने दिमाग में फिट बिठा ली, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद में अपन बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट आपको दे रखा है 2,15,000 रुपीज, ठीक है, जिसमें से आपको बताया हुआ कुछ पिछले साल का है, कुछ हमारे करंट ईयर का है, और कुछ हमारे दोस्तों आने वाले साल यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है। चलो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में दोस्तों आपको दे रखा है डोनेशन। अपन यहाँ पर कंसीडर कैसे करते हैं, कंसीडर अपने को ज्यादा मतलब होता है जो करंट ईयर के अंदर अपने को मिला, ये तो दोस्तों अपने को कैश में मिल गया, कुछ अमाउंट ऐसा भी होता है जो आपको आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन वो आपको नहीं मिला, आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना है। अभी जब क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। हमारे दोस्त बता रहे हैं 2,05,000 फॉर करंट ईयर विद एडजस्टमेंट मेड। जी हाँ, 2,05,000 ये तो आपको मिले कैश के अंदर, कैश वाला तो दोस्तों अपने को करंट ईयर का लेना ही है, कुछ करंट ईयर का दोस्तों क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग भी हो जाएगा, उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तभी हमारे पास करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है वो सामने आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं डोनेशंस। डोनेशंस के लिए 54,000 मिले, डोनेशंस के लिए कोई पर्पज नहीं दे रखा, कौन सा नेचर है, नेचर, वेरी गुड, रेवेन्यू नेचर होता है, मैंने बता दिया पहले, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो आप चलेगा, ठीक है ना। प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, ड्रामा टिकट से दोस्तों आपको प्रोसीड्स, ये कौन सा नेचर है भाई, ये कौन सा नेचर है, ये भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, चलो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में दे रखा है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये कौन सा नेचर है भाई, ये भी कौन सा है, ये भी आपके लिए रेवेन्यू नेचर है। चैट बॉक्स में आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेमेंट साइड की बात करें तो दोस्तों आपको दे रखी है सैलरी, ठीक है, सैलरी, चलो ठीक है, सैलरी दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, ये दोनों अपन कौन से नेचर को मान के चलते हैं, ये दोनों ही रेवेन्यू नेचर का आइटम। उसके बाद में दे रखा है ड्रामा एक्सपेंस, हाँ ये भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसी से रिलेटेड आपको देखो यहाँ पर एक चीज दे रखी है, आपको दे रखा है प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, और यहाँ पर आपने ड्रामा के लिए एक्सपेंस भी किया, ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है, जब आपको ये किसी एक स्पेसिफिक जगह से कोई इनकम होती है और उस स्पेसिफिक जगह पर आपको एक्सपेंस भी करते हैं ना, तो उन दोनों का आप डिफरेंस का पता लगाते हैं, और जो ज्यादा होता है ना उसके हिसाब से आप शो कर देते हैं। अगर प्रोसीड ज्यादा होती है तो इनकम साइड शो कर देते हैं, और अगर एक्सपेंस ज्यादा होता है तो अपन एक्सपेंस साइड में शो कर देते हैं ना। जी हाँ, ऑलमोस्ट सारे, देखो मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, मैं पढ़ लेता हूँ, न्यूज़पेपर ये भी रेवेन्यू है, म्युनिसिपल टैक्स ये भी रेवेन्यू है, चैरिटी करी ये भी आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए रेवेन्यू नेचर का आइटम है। इस ड्रामा एक्सपेंस का आप क्या करेंगे, इस प्रोसीड्स में से ड्रामा एक्सपेंस को निकाल देंगे, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से आप शो कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कौन सा नेचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक आपके लिए एसेट होती है, और जो एसेट होती है ना उसे आप कैपिटल नेचर का आइटम ट्रीट करते हुए चलते, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी रेवेन्यू नेचर है, ये आपके सामने आके दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, जो आएगा आपके कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों आपके ये आ जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, बोला है कि प्रिपेयर क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2021 का, और बैलेंस शीट भी बनाओ उसी तारीख की, इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके सामने, आपके सामने दोस्तों सबसे पहला दे रखा है सर, आपके सामने सबसे पहले दे रखा है कि देर आर 500 members, there are दोस्तों क्या है? There are 500 members each paying an annual subscription fee of 500. दोस्तों यहाँ पर आपके 500 members हैं, जो हर एक member कितना दे रहा है? 500 rupees per year आपको दे रहा है। एक बार इसको multiply करना, कौन करेगा? 5 × 5 होता है 25, ठीक है? 20,500 के उधर भी 20,500 के कितना amount आ जाएगा? 2,50,000, 2,25,000 नहीं, मेरे हिसाब से 2,50,000, 2,0 इसके 2,0 इसके 5,25, तो 2,50,000 रुपए दोस्तों आपके पर ईयर सब्सक्रिप्शन की इनकम होनी चाहिए, साफ साफ पता चल रहा है।
पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलो ठीक है। अब जब सब्सक्रिप्शन की इनकम इतनी होनी चाहिए, आपको मिला कितना है कैश में? 2,05,000 ही आपको मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? मिलना चाहिए था 2,50, मिले हैं आपको 2,05, यानी कि 45,000। 45,000 रुपीज अभी भी क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये आपके लिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जिसको दोस्तों अपन हमारे इस सब्सक्रिप्शन जो भी मिला उसमें ऐड करेंगे और हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। कितना अमाउंट? 2,50,000। आगे लिखा हुआ है 5,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखो, जो 2020 के लिए सब्सक्रिप्शन के जितने भी पैसे बाकी थे, हमें नहीं पता कितने भी बाकी थे, लेकिन उसमें से अभी भी 5,000 रुपीज दोस्तों बाकी है। आप इसका मतलब समझ रहे हो? पिछले साल के लिए दोस्तों आपको पैसा कितना मिल गया है? पिछले साल के लिए ये चीज बताओ कहाँ काम आएगी? ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि 5,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये आपके लिए काम आएगी बैलेंस शीट बनाने के। सर, ये प्रीवियस ईयर का भी तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है ना, तो प्रीवियस ईयर का तो बता रहा हूँ, ये 5,000 प्रीवियस ईयर का ही मान के चल रहे हैं। स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अभी कौन सा चल रहा है? 21 2020 का हो सकता है। वैसे तो ये हो सकता है कि 2018 का बाकी हो, 2017 का बाकी हो, 2016 का बाकी हो, वैसे कुछ मतलब नहीं है। अपन पिछले साल, अपन तीन साल जानते हैं, एक तो करंट ईयर, एक हमारा प्रीवियस ईयर और एक हमारा नेक्स्ट ईयर। ये जो 5,000 है वो अभी भी बकाया है 31 मार्च 2020 वाले के। आप देख सकते हो 31 मार्च 2020 वाले के लिए आपको कितने पैसे मिले हैं? आपको मिले हैं 4,000 रुपीज। देखो, आपके पिछले साल का कुछ पैसा बकाया था जिसमें से आपको 4,000 रुपीज मिल चुके हैं। 4,000 तो मिल गए, लेकिन अभी भी 5,000 रुपीज क्या है? बाकी है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो भी पैसा आपको मिला है ना, जो भी पैसा आपको मिला ना, उसके बाद भी आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 4,000 + 5,000। यानी कि अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाना हो तो आप कितना दिखाएंगे? 9,000 आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, जिसमें से 4,000 आपके रिसीव हो चुका है, यानी कि 5,000 रुपए आपके पिछले साल के अभी भी बाकी हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 45,000 कितना होता है? 50,000 आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा एट द एंड, यानी कि आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। समझे मेरी बात? जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करना हो तो कितना शो करेंगे? 9,000, क्योंकि 5,000 तो अभी भी बाकी है और 4,000 आपको रिसीव हो गए। अगर इस 5,000 की बात आपको नहीं दे रखी होती तो अपन इसी 4,000 को क्या करते हैं? पिछले साल का बकाया मानते थे, पिछले क्वेश्चन में किया ना अपन ने, ठीक है। और जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप उसके अंदर कितना? 45 तो करंट ईयर का और 5 आपके पिछले साल का, यानी कितना? 50,000 रुपीज आपके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। क्लियर? एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों बात करें हमारा सेकंड नंबर का, जो आपके दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि म्युनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th June। दोस्तों आपको लिखा रखा है कि जो म्युनिसिपल टैक्स है, जो कितना अमाउंट है उसका 4,000 पर ईयर है, इज पेड अप टू 30th June। आपने इसको 30 जून तक का पेमेंट जो कर दिया, आपको 4,000 रुपए पर ईयर के देने होते हैं और आपने जो भी पेमेंट किया वो कितनी तारीख तक का? 30 जून तक का आपने पेमेंट कर दिया। लिखा हुआ है प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 1,000। आपके स्टार्टिंग के अंदर जो प्रीपेड था वो प्रीपेड कितना है? 1,000 रुपीज दोस्तों आपके प्रीपेड है। एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। ये तो एक अलग ही लाइन होगी, इस लाइन को अच्छे से समझना दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले तो इसको देखते हैं, 5,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज का मतलब क्या? सैलरी के लिए आपने पैसा दिया है 60,000, जिसमें से 5,000 रुपए दोस्तों आपके अभी बाकी है, यानी कि सैलरी का जो एक्सपेंस है वो कितना हो जाएगा? 65,000 हो जाएगा आपके करंट ईयर का। आपने पिछले साल की तो कोई सैलरी का पेमेंट नहीं किया ना, चलो नहीं किया। म्युनिसिपल टैक्स की बात है तो म्युनिसिपल टैक्स का आपने पेमेंट कितना किया है? आपने पेमेंट किया है 4,000 रुपीज। आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो म्युनिसिपल टैक्स है वो अमाउंट करता है अमाउंटेड टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th June। आपके 4,000 रुपए पर ईयर आपको पेमेंट करना पड़ता है और आपने जो पेमेंट है ना वो कितनी तारीख तक का कर दिया है? 30 जून तक का आपने कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 1,000। स्टार्टिंग में प्रीपेड कितना था? स्टार्टिंग में प्रीपेड दोस्तों आपके 1,000 रुपए थे। पहले बात तो आप समझो कि म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट कितना है। आप इसको दो तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए मैं भी इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहा हूँ, हाँ, तो अपन इसको समझेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है।
कि जो 4000 अगर पर ईयर है, तो एक बार 4000 में 12 से डिवाइड करना कितना अमाउंट आता है, 4000 को 12 से डिवाइड करना। देखो दो तरीकों से बताऊंगा, दो तरीके आपको बताऊंगा अपन को कैसे सही लग रहा है। 4000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आपके सामने पॉइंट पर आंसर आ रहा है, इसको आप साइड में रख दो एक बार, ठीक है। 4000 आपने पे कर दिया और आपको बिगिनिंग के अंदर 1000 प्रीपेड बता रहा है, तो प्रीपेड इसके अंदर एड हो जाना है, यानी कि आपने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कितना किया है 4000 अपन मानकर चलते हैं, प्लस 1000 रुपीज पहले से प्रीपेड था जो भी इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरीके से एड हो जाता है। हमारे स्टार्टिंग का प्रीपेड होता है उसको अपन एडजस्ट करते हैं ना, पूरे के पूरे को अपन एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि जो एक तरीके से एक्सपेंस है वो कितना कर दिया अपन ने 5000 का कर दिया, जिसमें से आपको बोला कि ये आपने अमाउंट कितनी तारीख तक का पे किया है, 30 जून का। हमारा ईयर तो कब तक होता है, ईयर तो हमारे 31 मार्च तक ही होता है, तो अप्रैल मई और जून कितने दिन, अप्रैल मई और जून पूरे पूरे कितने दिन, 3 महीनों का आपने यहाँ पर ये मानकर चल सकते हैं कि आपने एडवांस पेमेंट आपने कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो क्या, 3 महीने का दोस्तों आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। ये चीज आपने कल भी करी थी, कल भी करी थी आपने। देखो म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कितना किया है, 4000 रुपीज दोस्तों आपने पे किया है, जो आपके पर ईयर का एक तरीके से अमाउंट होता है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, 12 महीने आपके एक साल के अंदर होते हैं, और आपने यहाँ पर 3 महीने का एडवांस पेमेंट है जो कर दिया। 12 महीने पूरे साल में होते हैं, तो आपने 3 महीने का एडवांस पेमेंट भी कर दिया, और ये तो 4000 आपने इस साल कैश का पेमेंट किया है, पिछले साल प्रीपेड भी तो था, कितना था, 1000 रुपीज दोस्तों आपके प्रीपेड भी था। यानी एक तरीके से देखें तो हमारे इस साल में एक्सपेंस कितना हो गया टोटल, इस साल में टोटल एक्सपेंस हो गया है 5000 रुपीज, जो पूरा कितने महीनों का है, एक तरीके से मानकर चले तो पूरे पूरे 15 महीनों का है कि नहीं है। क्या लेग हो रहा है, ऑडियो लेग हो रहा है क्या सचित पारिक भाई साहब, आपका असली नाम बता दीजिए। डीपी भी मेरी लगाई है और नाम भी मेरा यूज किया है, क्या बात है, चाहते क्या हो भाई, ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म करवाइए दोस्तों, कंफर्म करवा दीजिए कि ये बात सही है कि नहीं, कि 4000 आपने इस साल कैश का पेमेंट कर दिया, ठीक है, 1000 रुपीज आपने प्रीपेड आपने एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो 4000 प्लस 1000 कितना, एक तरीके से अगर एक्सपेंस माने करंट ईयर का आपने कर दिया है 5000 रुपीज का एक्सपेंस, जो कितने महीने का, आपने एक साल का तो पेमेंट किया ही है, साथ ही साथ 30 जून तक पेमेंट किया, 30 जून तक मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, अप्रैल मई और जून 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 15 अपन करें तो वापिस वही पॉइंटों में अमाउंट आ रहा है 333.33। मैंने कहा था दो तरीकों से कर सकते हैं, 333.33 मेरे पॉइंटों में है जो आंसर एक तरीके से आ रहा है। अगर मैं ये मानकर चलूं कि 4 महीने का मतलब एक तरीके से 4000 पेमेंट किया ना पर ईयर कितना है 4000 डिवाइडेड बाय 12 करूं तो भी अमाउंट आ रहा है मेरे को 333.33 अमाउंट है जो आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार 203 से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट आपके सामने आता है 1000 रुपीज। देखो अपन इसको एक तरीके से सोच समझ कर करना, आपने यहाँ पर 5000 रुपीज पूरा एक्सपेंस कर दिया, जो एक तो 12 महीने का तो करंट ईयर का, 3 महीने का प्रीपेड, हर एक महीने का कितना हो जाएगा 333.33। आप कैसे निकाल सकते हैं, आप चाहे तो 5000 डिवाइडेड बाय 15 भी कर सकते हैं, मतलब ये निकालने के दो तरीके हैं, क्या 5000 रुपीज का आपने टोटल एक्सपेंस किया कितने दिनों के लिए, 15 महीनों के लिए। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4000 पर ईयर आप पे कर रहे हैं वो भी कितने दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए। आप दोनों कर लो, आप दोनों तरीकों से कर लो, जो अमाउंट है वो कितना आना है 333.33 आपके अमाउंट जो आने वाला है, यानी साफ साफ सी बात है कि हर एक महीने का 333.33 रुपए आपने पे करना है, तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा, 12 महीनों का हो जाएगा वो का वही 4000 रुपीज, और 3 महीनों का आपके हो जाएगा वो का वही 1000 रुपीज। यानी जो प्रीपेड वाला जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में भी 1000 रह जाएगा और एंडिंग के अंदर भी आपके लिए 1000 रह जाएगा। समझ गया मेरी बात, कोई डाउट है क्या। ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे एसेट साइड में आप शो करेंगे प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1000 रुपीज, और फिर एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप लिखेंगे प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स वो भी कितना 1000 रुपीज। क्लियर है क्या, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, समझे मेरी बात, ठीक है आगे बढ़े। म्युनिसिपल टैक्स भी हो गया, उसके बाद में सैलरी का भी अपन ने देख लिया। बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट 5 लाख रुपीज, बिल्डिंग कितने की है अभी यहाँ पर, अच्छा बिल्डिंग आपके 5 लाख रुपीज की है, अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो काम में आएगा। 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, आपने दोस्तों इन्वेस्टमेंट खरीदे, इन्वेस्टमेंट आपने कितने के खरीदे हैं 14,500 है ना, नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे दोस्तों 2 लाख रुपए के, कितने के 2 लाख रुपए के दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट करे, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जो रेट है कितनी है 6%, तो 6% आपके पूरे साल का है और 5 महीने का एक्रूड है
जो आपको मिला नहीं, यानी अगर आप इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना, 2 लाख रुपए दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 6%, यानी 6/100। कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है आपको, निकालना है 5 महीने का इंटरेस्ट, 5/12 आप इसको कर देंगे। 6 का 12 में जाता है 2 times, 2 का 2 में हो जाएगा 1 time, 1 lakh हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गया, कितना हो गया 1000 या 100, 21, 22, 23, 1000, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 रुपीज दोस्तों आपके अमाउंट जो हो जाएगा, सही बता रहा हूँ क्या। वैसे तो 6% होता है 12000 रुपए, 12000 रुपए पूरे साल के होते हैं, तो हर महीने का कितना 1000, 5 महीने का कितना 5000, ये भी क्लियर, ओके ग्रेट। चलिए ये भी दोस्तों आपके सामने हो गया, मतलब सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन ने पढ़ ली। अब बाकी क्या है, अब हमारा काम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। अपन ने क्वेश्चन को थोरोली पढ़ लिया है एकदम अच्छे से, कुछ चीजों को मिटाऊंगा जो बीच बीच में फालतू है, बाकी को अपन किसी को नहीं मिटाएंगे। अरे भैया परेशान ना करो हमें, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस का शो करेंगे, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना शो करेंगे दोस्तों आपको पहले बता दिया, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन आप दोस्तों अमाउंट कितना, अमाउंट आप ये बोल सकते हैं कि 500 मेंबर्स थे, 500 रुपीज वो ईच पे करते हैं, यानी कि कितना 2,50,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलेगा। जिसमें से बात करें तो कैश के अंदर दोस्तों आपको कितना रिसीव हुआ है, कैश के अंदर आपको रिसीव हुआ है 2,05,000 रुपीज, और आपको जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर 45,000 रुपीज। टोटलिंग अपन ने पहले दिखा ली 2,50,000। उसके बाद बात करें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो गया, डोनेशन है 54,000, डोनेशन कितना है 54,123, 2 की बाई की साइड में लिख दो बाई डोनेशन, ठीक है डोन लिख रहा हूं सिर्फ। उसके बाद में लिखा प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट, चलो ये भी दिखा दो, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा प्रोसीड फ्रॉम डीएम, डीएम का मतलब क्या हो जाएगा ड्रामा डीके, सॉरी डीएम नहीं डीके, ड्रामा टिकट है ना, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम डीके दोस्तों आपके सामने हो जाएगा, एक सेकंड वीडियो ले हो रहा है क्या, वीडियो ले हो रहा है क्या दोस्तों, चैट बॉक्स में कंफर्म, अच्छा नहीं चल रहा ना मेरे चैट, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम डीके की बात करें तो कितना है 90 डीके, फिर से मैंने डीके लिख दिया, ये डीएमआर डीके टिकट है ड्रामा टिकट्स डीडी, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट्स दोस्तों आपको रिसीव हो रहे हैं 95,000 रुपीज, जिसमें से दोस्तों आपने एक्सपेंस भी किया है, एक्सपेंस आपने कितना किया है, एक्सपेंस आपके साथ साथ लिखा हुआ है ड्रामा टिकट्स का 45,000 रुपीज एक्सपेंस आपने किया, तो इस 45,000 को अपन इसमें से क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं, 95 में से 45 जाएंगे तो आपके सामने कितने बचेंगे 50,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने जो अमाउंट है वो बच जाएगा, क्लियर यहाँ पर। चलिए उसके बाद में दोस्तों अपन आगे बात करें, आगे ये प्रोसीड्स भी हो गया, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500 रुपीज दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है वो शो कर दीजिए, किस चीज का भाई में मैं लिख देता हूँ भाई में वेस्ट पेपर, ठीक है। हेलो जी नमस्कार सभी को, वेस्ट पेपर ये आपकी इनकम है जो हुई, ठीक है। चलिए इसी पेमेंट साइड के अंदर, पेमेंट साइड की बात करें तो दोस्तों सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको बाकी वक्त मिटा दो, हाँ ठीक है। सबसे बात करते हैं अपन पहले सैलरीज की, तो टू में लिखो सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होती है डेबिट साइड में आती है ना, गलत नहीं बता रहा हूं मैं, क्या बता गलत बता दो, टू सैलरी में दोस्तों अपन अमाउंट लिखते हैं कितना, सैलरी में अमाउंट आपने 60,000 तो दोस्तों कैश से पेमेंट कर दिया है, और आपके जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग अभी भी बकाया है कितनी 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं, सिर्फ ओ लिख दो, ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आपके सामने ओयूटी लिख दो, जो आउटस्टैंडिंग हो कितना 5,000, तो 60,000 प्लस 5,000 हो जाता है 65,123। सर सारे वर्किंग नोट्स आंसर के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते क्या, अकाउंट बना वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसा प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। आप एक काम कर सकते हैं कि आपको पता है कि मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, मुझे बैलेंस शीट बनाना है, जिसके लिए पूरा पेज लगेगा, तो सेकंड पेज में आप पहले वर्किंग नोट बना लो और फिर अकाउंट्स जो पहले बनाओ वो प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, अंदाजे से पेज छोड़ दो 1 या 1.5, फिर आप अपने हिसाब से वर्किंग नोट्स बनाओ, ठीक है ना। 65,000 रुपीज दोस्तों अपन सैलरी का शो कर दिया, बाकी एक्सपेंस कितना हो गया 7,500 रुपीज, 7,500 रुपीज टू में लिख दो, नॉर्मल वाला एक्सपेंस ही है ये, एक्सपेंस में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ड्रामा एक्सपेंस अपन ने पहले दिखा दिया, न्यूज़पेपर के लिए पैसा कितना है 15,000 रुपीज, 15,123 तो मैं लिख दो न्यूज़पेपर, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स का भी आप पेमेंट कर रहे हो, म्युनिसिपल टैक्स एमटी हो गया,
एमपी के लिए पेमेंट कितना है, एमपी के लिए 4000 रुपए दिए जो पूरे कितने के थे, 4000 प्लस प्रीपेड वाला भी इसमें ऐड हो रहा है, 5000 रुपए आपने दिए पूरे 15 महीनों के लिए, हर महीने का 333 यानी 12 महीने का 4000 रुपए आपके सामने हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स कितना, 4000 रुपीज आपने पे किया है, ठीक है। न्यूज़पेपर भी दिखा दिया ना, 15000, ओके। चैरिटी कितना है, चैरिटी आपके सामने 35000 रुपीज है, 35 1 2 3 2 में लिख दो चैरिटी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। चैरिटी का भी दोस्तों अपने अमाउंट है जो शो कर दिया है। चैरिटी का अमाउंट शो करने के बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक एसेट है, आपके कैपिटल का आइटम है, उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं 14000 ही है ना, या 14500 है, 14500 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 14500 दोस्तों आपके सामने है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इजी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने क्या बचा, जो फर्स्ट नंबर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अपन ने कर दिया, सेकंड वाला भी अपन ने कर लिया, थर्ड वाला तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक तरीके से बुक्स है आपके ओपनिंग बैलेंस शीट का बताया हुआ। फोर्थ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से लिखा हुआ है, 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। आपने 5 महीनों के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस आपने जो इन्वेस्टमेंट किया ना उसके लिए 5 महीनों के लिए इंटरेस्ट आपको अक्रूड हो चुका है, जो आपको मिला नहीं है, सिर्फ अक्रूड हुआ है, जिसकी आपने कैलकुलेशन करी थी। कितना आया था अमाउंट, 5000 रुपीज आपके आया था। ये इनकम साइड में आएगा, इनकम साइड में आएगा, आप दिखेंगे बाई अक्रूड इनकम, या फिर आप लिख देंगे बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकते हैं, अक्रूड लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट, 5000 रुपीज का दोस्तों आपके जो अमाउंट वो आ जाएगा। यानी डिजिटल इन्फॉर्मेशन नंबर 5 भी आपके लिए हो चुकी है, 4 भी हो चुकी है, और कुछ बचा है क्या इसमें, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। डेबिट और क्रेडिट साइड की जोड़ कर लो, आपके सामने जो ट्यूशन है वो हो चुका है, क्लियर है, नो टेंशन। हाँ जोड़ करूं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 6000 रुपीज आपके सामने सैलरी, डेबिट साइड की जोड़ कर लेते हैं पहले, डेबिट साइड करें या क्रेडिट साइड की करें, पहले क्रेडिट साइड इनकम को जोड़ते हैं ना, मजा आएगा। 2,50,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के हैं, प्लस 54,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने डोनेशन के, प्लस वापस 50,000 रुपीज आपके सामने प्रोसीड्स फ्रॉम आपके क्या था, ये डीटी ड्रामा टिकट्स वाला था, प्लस इसके अंदर अपन बेस्ट पेपर कर रहे हैं 4,500। उसके बाद वापस एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000, टोटल इसकी हो जाएगी 3,63,500 रुपीज दोस्तों आपके इसकी टोटल जो हो जाएगी। हो सकता है डेबिट साइड की ज्यादा होगी, लेकिन एक बार जोड़ने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, मिटा सकते हैं अपन। तो 65,000 प्लस 7,500 प्लस इसमें करते हैं अपन 15,000 और प्लस इसमें करते हैं 35 1 2 3, ठीक है, प्लस 14,500, कितना अमाउंट आया, 1,37,000 आई इसकी जोड़, 1,37,000 रुपीज दोस्तों आपकी इसकी जोड़ जो आई है। अपन इसके जो आंसर्स है ना वो मैच करते हुए चलेंगे, आंसर्स को मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कर लेते ना मैच, ताकि अपन टीएस ग्रेवाल का भी देख भी चलेंगे, उनके हिसाब से अपन चल रहे कि गलत तो नहीं करे। 3,63,500 पक्का भरोसा तो अपने को है, पक्का भरोसा तो है कि अपन गलत नहीं करें, लेकिन फिर भी 2,26,500 रुपीज दोस्तों आपके यहाँ पर बच रहे हैं। कितना, 2,26,500 आपके बच रहे हैं। इतना ज्यादा सरप्लस कैसे हो गया भाई, एक बार चेक कर लो एक्सपेंस, कहीं पर अपने कुछ कम तो नहीं दिखा दिए। चैरिटी 35 की थी ना, जी हाँ चैरिटी 35 की थी, फिर इन्वेस्टमेंट 2 के थे, इलेक्ट्रिक चार्ज 14,90,000 एक्सपेंस, हाँ सही है, इतना ही है, इतना ही ना, कंफर्म करवा दो। 2,26,500 आपकी इसकी जोड़ा जाएगी, 363,500 अपन देख लेते हैं। हमारे सामने टीएस ग्रेवाल की बुक दे रखी है, अगर आप बोले तो उसमें वेरीफाई कर ले, नहीं तो अपन डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते, बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैच हो जाएगा बैलेंस मेरे हिसाब से, ठीक है। 2 कैपिटल फंड में आप दोस्तों इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये अपन दोस्तों निकाल रहे हैं हमारे बैलेंसिंग फिगर की मदद से, और ये जो अमाउंट है उसको आप जानते हैं सरप्लस के नाम से, हमारे दोस्त आंसर बता रहे हैं, कीर्ति वर्मा जी ने बताया सरप्लस 226,500। बुक में भी यही है क्या, एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो कि बुक में भी यही अमाउंट है ना आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसके ये आ गया आपके सामने सरप्लस आ गया, आप दोस्तों ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले अपन एसेट साइड के अंदर शो करते हैं हमारा कैश का बैलेंस, हमारा कैश का जो ओपनिंग बैलेंस वो कितना दे रखा है, 1,02,500 रुपीज, 1,02,500 रुपीज दोस्तों आपके कैश का बैलेंस शो करके रखा हो,
कैश का बैलेंस आपने ये शो किया या आपने दिखा दिया कैश का बैलेंस, उसके बाद में अपन बात करें तो सब्सक्रिप्शन के अंदर मैंने आपको कहा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब आप शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब आप शो करेंगे तो आपको पता है कि 4000 तो आपको मिल गया, 4000 तो आपको मिल गया, 5000 अभी बाकी है। मतलब कितना बाकी था स्टार्टिंग के अंदर बताया था 9000 आपकी अभी भी बाकी है। इसी 9000 को दोस्तों अपने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में शो कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ आपके है नहीं, डोनेशन हो गया, प्रोसेस फ्रॉम ड्रामा टिकट, सेलो फ्रेश पेपर, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, ड्रामा न्यूज पेपर एमटी चैरिटी, इन्वेस्टमेंट भी इस साल का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस सब कुछ इस साल का है। आपके जो फर्स्ट नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी करंट ईयर का आपको बताती है, ये 5000 रुपए मैंने दिखाई दिए। म्युनिसिपल टैक्स आपके 1000 प्रीपेड था, म्युनिसिपल टैक्स आपके 1000 प्रीपेड था तो आप उसको भी दिखाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड एमटी म्युनिसिपल टैक्स कितना 1000 रुपीज दोस्तों आपके प्रीपेड था, 1000 ही प्रीपेड है, ये भी हो गया। उसके बाद में दे रखा है कि 5000 रुपए सैलरी के भी आउटस्टैंडिंग हो तो करंट ईयर के हैं, ठीक है, 5000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज, मेरे सैलरी का, चलो ठीक है। बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक, बुक्स के अंदर बिल्डिंग कितने की 5 लाख रुपए की, 5 1 2 1 2 3 ये आपके लिए क्या है, ये आपके सामने दोस्तों बिल्डिंग दे रखी है। इसके बाद में अपन बात करें तो इंटरेस्ट है जो एक्रूड है ये तो आपके नेक्स्ट ईयर का बात है, हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट है, मेरे हिसाब से इसके अलावा तो कुछ आने वाला है नहीं, आप जोड़ कर लो और वही आपके सामने कैपिटल का फंड है जो आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर से देख लो, सब्सक्रिप्शन दिखा दिया, ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, और कुछ है नहीं हमारे सामने, और सब्सक्रिप्शन का हो गया, म्युनिसिपल टैक्स का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, 6% आपके इस साल का एक्रूड, बस इतना ही दे रहेगा, आप इनकी जोड़ कर लो आपके सामने अमाउंट है जो आ जाएगा। 5 लाख प्लस 1 लाख होता है कितना, 6 लाख, 6 लाख और 9000 होता है, 6 लाख 9000 प्लस 6 लाख 10000, 6 लाख 10 और आपके 2000, 6 लाख 12500, 6 लाख 12500, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 5 के 5, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 1 कितना होता है 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, ठीक है, 2 और 1 कितने होते हैं 3, आपके सामने हो जाएंगे 3, 3 और नहीं, हाँ 2, 1 हो गया, 0 का 0 वापिस 1 आ जाएगा और 5 और 1 कितना होता है 6, 6 लाख 12 हजार 500, जोड़ तो आती है, अपन कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, कैपिटल फंड में पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा 6,12,500 रुपीज जोड़ जो बराबर हो जाएगा 6, 12, 5, ठीक है, ये आपके सामने कैपिटल का फंड आ गया ओपनिंग का। 1 अप्रैल को बना रहे ना, 1 अप्रैल को बना रहे दोस्तों, मतलब ये आपके लिए क्या है एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च वाली, सबसे पहले तो कैपिटल फंड को यहाँ पर दिखा दो, सबसे पहले क्या कर दो कैपिटल फंड को दिखा दो, कितना है कैपिटल फंड 6,12,500, 6,12,500 रुपीज दोस्तों आपके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। इसके अंदर दोस्तों अपन ऐड करते हैं हमारा सरप्लस, जो कि हमारा सरप्लस कितना आया था, सरप्लस हमारा आया था 2,26,500, ठीक है, तो ये सरप्लस कितना 2,26,500, 2,26,500 रुपए दोस्तों आपके सरप्लस आ गया, इनको जोड़ो 6 और 2 कितने होते हैं 6 और 2 होते हैं 8 लाख, 8,26,000, 8,28,000, 8,38,000, 8,38,000 और 8,39,000, 8,39,000 रुपीज आपकी इसकी जोड़ हो जाएगी, बराबर बता रहा हूँ ना, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 10, 10 का 0 असल लगी 1, 6 और 2, 8 और 1 कितने हो गए 9 और 2 और 1 3, 6 2 8, 8,39,000, 8,39,000 आपके कैपिटल फंड का हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपन शो करेंगे हमारा कैश का बैलेंस, क्लोजिंग में कैश का बैलेंस कितना है 90,000 रुपीज है, चलो ये भी दिखा दो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना 90,123, ठीक है, ये भी अपन ने शो कर दिया कैश का 90,000 शो कर दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्या था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करें दोस्तों तो ईयर 90-20 के लिए 19-20 के लिए 5000 रुपए बाकी हैं और 2020-21 के लिए आपके लिए 45,000 रुपए बाकी है। ये चीज पता है कैसे आया, लिखा हुआ था कि 5,000 रुपीज स्टिल अरियर फॉर ईयर 21-5, 2020, करंट ईयर में मिलने चाहिए 2,50 मिल रहे हैं, कितने आपको 2,500, तो 45,000 रुपए करंट ईयर के भी आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग की बात करें तो कितना 50,000 रुपीज आपके क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। प्रीपेड एमपी की बात करें, प्रीपेड एमपी प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1000 पहले था और अभी भी कितना है 1000 है। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो 5 लाख की पहले भी थी, 5 लाख की अभी भी है, बिल्डिंग दिखा दो 5,12,123, 5 लाख रुपीज आपकी बिल्डिंग के आ जाएंगे। और इसके अलावा क्या है दोस्तों आपके सामने, मेरे हिसाब से और तो कुछ भी है ना, पूछो क्या इन्वेस्टमेंट खरीदे आपने कितने के 2 लाख रुपए के, इन्वेस्टमेंट दिखाओ INV
इन्वेस्टमेंट दिखाओ 2 लाख रुपए के, 2, 1, 2, 1, 2, 3। जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेस करे तो इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट भी तो है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 5,000 रुपीज दोस्तों, आपके अभी भी बकाया है, मतलब आपको मिलेगी इनकम। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस ड्रामा न्यूज़पेपर म्युनिसिपल, सैलरी से याद आया 5,000 रुपए की सैलरी अभी बाकी है, 5,000 रुपए की सैलरी बाकी है, यहाँ पर दिखा दो सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 5,123। ठीक है, और क्या है इसके अंदर दोस्तों एक बार देख लो, ये हो गया एक्सपेंस ड्रामा शो म्युनिसिपल चैरिटी इन्वेस्टमेंट, इधर बात करें तो डोनेशन, ये हो गया, ये हो गया। एडवांस भी दोस्तों आपको मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आपको मिला है, कितना 6,000 रुपीज का, ये भी दिखा दो एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन सब कुछ अपन दोस्तों ट्यूशन से उठा रहे हैं, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं ला रहे, बहुत आसान से आसान से चीजें हैं। ये भी 6,000 आ गया, डोनेशन हो गया, प्रोसीड हो गया, सेल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। हमारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है वो भी हो चुकी है, नंबर 2 वाली भी आपके सामने हो चुकी है, नंबर 3 वाली भी हो चुकी है, नंबर 5 वाली भी, नंबर 4 वाली भी हो चुकी है। मेरे हिसाब से सब कुछ अपन ने शो कर दिया, एक बार इसका जो बैलेंस है वो मैच कर लो, मैच नहीं होगा तो अपन देखेंगे कि अपन ने क्या मिस कर दिया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे एसेट साइड की तो 90,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने कैश का बैलेंस है, प्लस 50,000 रुपीज आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्लस 1,000 रुपीज प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स है, और 5 लाख रुपए दोस्तों आपके क्या है बिल्डिंग, प्लस 2 लाख रुपए के आपके लिए क्या है इन्वेस्टमेंट है, और 5,000 रुपीज के आपके अक्रूड इंटरेस्ट है, यानी कि 5,46,000 दोस्तों आपकी इसकी जोड़ जो हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, एक बार वापस जोड़ो, 90,000 जो मिस हुआ वो बता देना, 90,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 5 लाख रुपीज प्लस 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस 5,000 रुपीज आपके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो 8,46 ही हो रहे हैं। ये कितने हो रहे हैं 8,46 दोस्तों आपके सामने हो रहे हैं। एक और चीज की मेरे को लगता है कमी है एसेट साइड के अंदर, वो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ये हो गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने दिखाई दिया, ये अपन ने पेमेंट कर दिया था, ये हो गया, अगर डोनेशंस का नहीं, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स 95,000 में से 45 काट के दिखा दिए, सेल ऑफ वेस्ट पेपर ये भी दिखा दिया था अपन ने, सैलरी एक्सपेंस ड्रामा न्यूज़पेपर म्युनिसिपल चैरिटी इन्वेस्टमेंट ये भी हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हो गए थे, बैलेंस क्लोजिंग भी आ गया था, 500 मेंबर्स थे वो 2,50,000 रुपए आने चाहिए, 45,000 बाकी थे वो भी अपन ने दिखा दिया, म्युनिसिपल टैक्स 4,000 रुपए पर ईयर होता है, 1,000 रुपए आपने प्रीपेड दिखा दिया, बिल्डिंग की जो वैल्यू है 5 लाख है चलो दिखा दी, 6% इंटरेस्ट जो 5% 5,000 रुपए वो आपके अक्रूड हुआ वो भी आपने दिखा दिया। एक बार ये जोड़ कर लो इधर की सही है क्या, एडजस्टमेंट चेक कीजिए सर वहां कुछ हो सकता है, एडजस्टमेंट कौन सा वाला, अब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार अपन ना अमाउंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट चेक करना कंफर्म करना जरूरी है, नहीं तो अपना क्वेश्चन है तो पूरा गलत हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही है क्या, मेरे हिसाब से तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो 2,22,500 आया था, अपने कितना आ रहा है, इतना अपने आ रहा है 2,26,500, 4,000 रुपए का इन्होंने घपला किया है, 4,000 रुपए का इन्होंने घपला किया है। देखो एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4,000 का फर्क आ रहा है मेरे हिसाब से, हाँ ये 4,000 रुपए का फर्क आ रहा है अपने, इन 4,000 से सब कुछ है, 4,000 रुपीज किसका अमाउंट हो सकता है, म्युनिसिपल टैक्स आपने बराबर बराबर शो किया, एक सेकंड बैलेंस पीडी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक बार वापस रीवेरीफाई कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन का 2,500 आपको मिला है, 25-25 मतलब 2,50,000 रुपए होता है, 45,000 रुपए आपके अभी बाकी है, ये बिल्कुल सही है सब्सक्रिप्शन का। डोनेशंस की बात करें तो डोनेशंस दोस्तों आपके सामने 54,000 के आ रहे हैं, चलो ये भी सही है। प्रोसीड्स फ्रॉम डीटी कितना था 95 में से रहा है कितना म्युनिसिपल टैक्स, नहीं नहीं ये आपके ड्रामा टिकट्स के लिए कितना ड्रामा एक्सपेंस है 45 में से 45 ज्यादा तो बचता है 50,000, ये भी आपने बिल्कुल सही शो किया है। वेस्ट पेपर 4,500 सेलो फेस्ट में, ये भी सही है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 5,000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपकी 6% है अक्रूड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, ये भी आपके बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक्सपेंस साइड की बात करें तो सैलरी थी 60,000 की, 60 में से अपन ने 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो 65,000 दिखा दिए, 7,500 ये एक्सपेंस दिखा दिए सर। इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है, जी हाँ करंट ईयर का तो आता है, करंट ईयर का तो दिखा रहे हैं, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2020-21 तो है हमारा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है 2,05,000 रुपए, 45,000 रुपए आपके अभी भी बाकी हैं इस साल के, सही है ना, ये तो सही है बिल्कुल 50 to 50 ये तो सही है। एक्सपेंस अपने 7,500 दिखा दिए ठीक है,
एनपी मतलब दोस्तों आपने यहाँ पर दिखाया है 15,000 रुपीज न्यूज़पेपर के लिए दिखा दिए। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 4,000 रुपीज, ये भी दिखाया क्या आपने? चलो ये भी आपने दिखा दिया एक्सपेंडिचर्स में। चैरिटी 35,000 की दिखा दी, और इसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 14,500, ये भी आपने दिखा दिए। फिर बचा क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आए तो स्टील नरियर दिखा दिया, म्यूनिसिपल टैक्स जो 4,000 रुपए पर ईयर पेड है, जो 3 महीनों 30 दिन तक आपने दे दिया, और बिगनिंग में 1,000 रुपए थे म्यूनिसिपल टैक्स वाला, 5,000 रुपए भी है, बिल्डिंग 5 लाख की है, 6% इंटरेस्ट है जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्रूड होने वाला है 5,000 रुपए। हाँ गिरबोर्ड, मेरे को सही लग रहा है सब कुछ, किसी को समझ में आ रहा तो बताओ। टीएस ग्रेवाल भाई साहब ने तो गलत नहीं कर दिया इसको, मुझे तो हर जगह से सही लग रहा है। आप बताइए दोस्तों, आप बताइए क्या होना चाहिए इसका, ठीक है? एक बार जोड़ कर लेते हैं, जोड़ तो क्या ना हमारे गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। 2,50,000 रुपीज प्लस 54,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज प्लस 4,500 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज आपके सामने इधर तो हो रहा है 3,38,500 बराबर सही है। इधर कितना है 65,000 प्लस 7,500, 5 मंथ का ही तो इंटरेस्ट है, तो 5 महीने का जो निकाला है ना, 2,06,000% कितना होता है, 2,06,000% होता है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए पूरे साल के हैं, मतलब 1 महीने का 1,000 तो 5 महीने का 5,000, ये भी सही है। हेलो नंदिनी जी स्वागत है। 7,500 कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, एक बार चेक करो आप सभी, आप सभी को तो आता है। 15,000 प्लस 4,000 इसमें प्लस करते हैं 35,000 रुपीज, इसमें प्लस करते हैं अपन 14,500 रुपीज। इधर जोड़ आ रही है हमारे सामने, अरे जोड़ की गड़बड़ भाई साहब, जोड़ की गड़बड़, ठीक है? इधर जोड़ अपन ने कितनी निकाली थी, 1,37 निकाली थी, जोड़ 1,37 नहीं है, जोड़ है 1,41, जोड़ बाकी की मिस्टेक है, पूरा सवाल सही है। यह 1,41,000 रुपए गलत कर दिया भाई। इस 1,41,000 रुपए में से अपन डिफरेंस करते हैं 3,63,500 का, आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 2,25,500, हो गया ना सही है, जोड़ गलत कर दी थी अपन, 2,25,500 हो गया सवाल, बस इतना ही तो होता, 2,22,500 रुपए दोस्तों आपके यहाँ पर आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 3,63,500, ठीक है? जब 2,25,500 कुछ गलती नहीं थी, सब कुछ अपन ने सही किया, बस जोड़ में गलत हो गया, कैलकुलेटर में हो सकता है, प्रेसिंग में हो गया मिस्टेक। 2,22,500 यहाँ पर, 2,26 नहीं, यहाँ पर 2,22 जुड़ेंगे, 2,22 आपके यहाँ पर दोस्तों ऐड हो जाएंगे, मतलब 4,000 रुपए कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 8,39 नहीं, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 8,35, ठीक है ना, क्लियर? 8,35,000 रुपीज दोस्तों आपके अमाउंट जो हो जाएगा। आपने जोड़ करी थी, जोड़ करती वापस जोड़ कर लो एक बार, हमारे जो लाइब्रेरी साइड है उसकी जोड़ कितनी हो रही है, 8,35,000 रुपीज प्लस 5,000 और प्लस 6,000, कितना अमाउंट आया 8,46,000। इधर भी जोड़ हो रही है 8,46,000 रुपीज और इधर भी जोड़ हो रही है 8,46,000 रुपीज। दोस्तों जीवन सफल, बैलेंस शीट एकदम मैच, अपन ने गलती कुछ नहीं करी, बस वो जोड़ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी अपन एडजस्टमेंट एकदम सही किया। क्लियर आपके सामने, जैसे हमारा बैलेंस मैच होता है, खुशी है जो चेहरे पर ऐसे झलक उठती है, हमारा सवाल, हमारी जो मेहनत होती है पिछले 1 घंटे की, वो एकदम मेहनत एकदम बढ़िया एकदम परफेक्ट है जो हो जाती है। अभी हमारा 5:15 एक और सेशन होगा, उसके अंदर अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी तो 5 मिनट है वैसे भी इसके, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, और मैं आपको आगे के जो सवाल अपन करने वाले हैं ना, उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन ने क्या किया था, वर्किंग नोट है जो मैंने ऊपर ऊपर से बनाया, जी हाँ प्रियांशु जी मजा आ गया, बैलेंस शीट मैच हो गई, ये तो मैच एक तरीके से हो रही थी, 4,000 का डिफरेंस मेरे को लग ही रहा था। अपने देखा जब अपन ने ये हमारी बुक को रेफर किया तो पता चला कि 4,000 की अपने गड़बड़ कहाँ करी थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, सिर्फ जो अमाउंट है ना उसको जोड़ने में अपन ने गलती कर दी, कैलकुलेटर भाई साहब की गलती है। अपने यहाँ पर जो वर्किंग नोट बनाया है, वर्किंग नोट नंबर 1 यू बोल सकते हैं कि जो हमारा म्यूनिसिपल टैक्स था ना, उसका यहाँ पर अपने अमाउंट निकाला कि पर मंथ अपन कितना पैसा है जो दे रहे हैं, तो 333 आ गया था, तो 1 साल का हो गया था 4,000 और आपके बाकी के 3 महीनों का हो गया था 1,000, इतने एडवांस प्रीपेड आपकी स्टार्टिंग में थे, इतने प्रीपेड आपकी एंडिंग में थे। फिर अपन ने निकाला इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, अपन ने करी थी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे, 2,06,000% निकाला, फिर उसका 5 महीने का अपन ने निकाला, 2,06,000% 12,000, हर एक महीने का 1,000, तो 5 महीने का 5,000 रुपए अपन ने निकाला। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कैसे निकाला था अपन ने, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है आपको बोला था कि 500 मेंबर्स हैं और 500 रुपीज पर ईयर के हिसाब से देते हैं, तो आपको मिलने चाहिए थे 2,50,000 रुपीज, जिसमें से दोस्तों आपके
2,05,000 आपको मिल चुके हैं, मतलब 45,000 रुपीज आपकी क्या आ गया था, ये आपके आ गया था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बैलेंस शीट में अपन ने ये नहीं दिखाया क्योंकि पिछले साल का भी 5,000 आपके बाकी था। कॉमर्स कैलकुलेटर को भी फेल कर देती है, हाँ वो भी सही है, वो क्या शायद हो सकता है टच वाला था, मैं इस पेंस करा था जोड़, तो वो गलत हो जाता है कभी कभी। मेरे को लगता है कि ये जो यहाँ पर थे ना अमाउंट कितना 14,500, मैंने इसको 10,500 जोड़ लिया तभी जाकर ये गड़बड़ हुई थी, इसलिए बात ठीक है। फिर दोस्तों हमारे ये वर्किंग नोट्स थे, अपने स्क्रीनशॉट को क्या अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं यहीं पर, ठीक है। उसके बारे में जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सरप्लस आया था 2,22,500 रुपीज। सारी चीजें नाम से शो कर दी, सब्सक्रिप्शन का मैंने अलग से अकाउंट नहीं बनाया, आप भी नहीं बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो यहीं पर आप डायरेक्टली एक दो लाइनों में ऐड करके दिखा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो यहाँ पर ये थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या फिर जो सीखने लायक जो चीज थी ना वो थी जो ड्रामा टिकट्स की जो आपकी प्रोसीड्स है ना, ये स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक जगह से है। जब किसी स्पेसिफिक जगह से आपको कोई इनकम होती है तो उस जगह पर किया गया एक्सपेंस उसमें से माइनस हो जाता है, जो बचता है वो आप दिखा देते हैं। इनकम ज्यादा होती है तो इनकम साइड, एक्सपेंस ज्यादा होता है तो एक्सपेंस है। आपको बताया ऑल इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है ना। चलो फिर अपन ने ये इनकम एंड एक्सपेंस स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बारे में दोस्तों अपन ने बनाई थी हमारी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट अपन ने बनाई जिसमें लाइबिलिटी कुछ नहीं थी, बस कैश का बैलेंस शो किया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन ने दोस्तों क्या किया था कि 4,000 रुपीज तो अपन ने पे कर दिए, 4,000 तो अपन ने पे कर दिए। सर आपने 45,000 को करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्यों बोला, ट्यूशन में बोला नहीं कि ये करंट ईयर? अरे भाई प्रियांशु जी करंट ईयर का ही है ये, देखो सुनो मेरी बात, समझे ना इस चीज को, आपको लिखा हुआ है। अब इस वन वाले को पढ़ो, वन वाले जो वन आपकी जो लाइन दे रखी है ना फर्स्ट वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला है कि देर आर 500 मेंबर्स ईच। यहां पर हमारे एनपीओ में कितने लोग हैं, 500 लोग हैं, पेइंग एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 जो हर साल 500 रुपए आपको देते हैं। ये बात आपको समझ में आई, आपके क्लब में 500 मेंबर्स हैं जो हर साल 500 रुपए आपको देते हैं, यानी कि आपको 500 × 500 कितना होता है 2,50,000 की इनकम आपको हर साल होनी चाहिए। बात सही है, समझे क्या, क्लियर? एक बार मैसेज में डाल दीजिए कि 500 मेंबर्स हैं, 500 रुपए मिलने हैं हर साल, मतलब 2.5 लाख रुपए की इनकम हर साल होनी चाहिए। आपको इस साल इनकम कितनी हुई है, आपको यहाँ पर एक तरीके से इसको पूरे को मिटा कर आप देखना चाहें तो सब्सक्रिप्शन का पूरे साल में जो टोटल अमाउंट है वो कितना मिला है, टोटल अमाउंट आपको 2,15,000 मिला है, जिसमें से कुछ पिछले साल का है, कुछ आगे के साल का है और कुछ करंट ईयर का। करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का अमाउंट है आपके सामने 2,02,05,000। करंट ईयर का अमाउंट कितना है, 2,05,000 रुपीज आपकी दे रखा है। तो आप मुझे बताओ जब मिलने चाहिए 2,50,000 मिले हैं 2,05,000, तो 45,000 रुपए क्या है, 45,000 रुपए क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल के बाकी है 45,000 क्योंकि इस साल में इनकम होनी चाहिए थी 2,50,000, ठीक है। सर ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनती है ना, हाँ वर्किंग नोट में ही बनाते हैं आप उसको, नोट वर्किंग नोट में दिखाते हैं। जैसे आप है ना, आप तो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बनाएंगे आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड लिखेंगे ना उसके आप पोस्टक में लिख देंगे कि वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है, और फिर आप बैलेंस शीट बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बिना वर्किंग नोट के भी नॉर्मली भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। 2,500 जब करंट ईयर का आपको मिला है तो करंट ईयर का बाकी 45 हो गया, और पिछले साल की बात करें तो आपके 4,000 रुपए तो आपको मिल गए और 5,000 रुपीज दोस्तों आपके अभी भी बकाया है, मतलब आपके आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में कितने थे 9,000, 5,000 रुपए अभी भी पिछले साल के बाकी हैं, 45 इस साल के बाकी हैं, तो टोटल कितना 50,000। क्लियर है क्या, एक बार मैसेज में डाल दीजिए कि यस क्लियर, ठीक है। बस हमारे आज की अपन ने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद अपन ने सर अपने क्लास का शेड्यूल बता दिया, और आपको कौन सा सब्जेक्ट, अच्छा दृष्टि जी हम पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी, और हमारे जो क्लास है अभी एनपीओ के अपन पीछे के सवाल करें टीएस अग्रवाल बुक के क्लास 12 के, तो जिसमें से अपन ने पिछले 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट सेशन 5:15 बजे होगा जिसमें भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 6:30 भी होगा उसमें भी क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें दोस्तों अपन क्वेश्चन करने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 53। आप इसको करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है सभी दोस्तों के, ग्रेट ठीक है ना। आप 53 का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में दोस्तों अपन करेंगे 53 होने के बाद हमारा जो ऐसे थोक सारे हमारे पास में
53 होने के बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पीएस ग्रेवाल की बुक का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद से करना चाहे तो। 52 करने के बाद दोस्तों अपन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 51, ठीक है ना। ये कुछ सवाल जो अपन आज के सारे सेशंस में करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी क्या करेगा, हमें यूट्यूब के अच्छा 50 और क्वेश्चन भी है इसको भी अपन करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे यूट्यूब के हम एजुकेटर है तो हम सबकी आदत बनी हुई है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आप ना सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आंसर तो दे रखे हैं बुक में, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। अनअकैडमिक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर ले प्लस और आइकॉनिक, जहां आपको एडिशनल मंथ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, कोड यूज करेंगे सचिन एसपी ताकि आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट और आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में भी हेल्प मिल सके, ठीक है ना। और आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं चैटबॉक्स के अंदर भी, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अकाउंट सिद्धार्थ कॉमर्स 365 उनको सब्सक्राइब करना और उनको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे जो आदत है दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सभी को सब्सक्राइब करना, अनअकैडमी के प्रोफाइल पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी।